विश्व संवाद केंद्रीय जिला बड़वानी के तत्वाधान में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नारद जयंती पर पत्रकार, पत्र लेखक और साहित्य अनुरागियों की संयुक्त गोष्ठी का आयोजन बड़वानी नगर स्थित वैष्णवी एमिनेंट विद्यालय में किया गया। इस आयोजन में मंचासीन अतिथियों में मुख्य वक्ता डॉक्टर अनिल पाटीदार, विभाग प्रचार प्रमुख और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अजय गुप्ता और प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण सोनी उपस्थित थे। सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा महर्षि नारद जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत श्रीफल भेंट कर किया गया। अतिथियों का परिचय दीपक जयमन ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर पाटीदार ने महर्षि नारद जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें सृष्टि का प्रथम पत्रकार बताया। वो तीनों लोक में विचरण करते थे और ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते थे। उन्हें सभी वेदों और पुराणों का ज्ञान था। वर्तमान समय में भी पत्रकारिता के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं, ज्ञान, सूचना और मनोरंजक, जिसके माध्यम से पत्रकारिता प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के स्वरूप में की जाती है। इसीलिए पत्रकारों ने नारद जी की भांति पत्रकारिता करना चाहिए। उनके हर कार्य में लोक कल्याण, जल कल्याण होना चाहिए। सत्य को उजागर करने वाली और बिना पक्षपात के पत्रकारिता की जाना चाहिए। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अजय गुप्ता, प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण सोनी, रूपेश, नवनीत रावल और शिवपाल सिंह सिसोदिया ने अपने विचार व्यक्त किए। बड़वानी से दिलावर खान की रिपोर्ट। आज मैं इस विश्व संवाद केंद्र के नारद की जयंती के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित आज के मुख्य वक्ता एवं समस्त पत्रकार बंधु, प्रेस क्लब के अध्यक्ष, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में यहाँ पर सम्मिलित हुए, साथ ही विश्व संवाद केंद्र के लिए ये परिसर उपलब्ध कराने वाले वैष्णवी संस्था के प्रबंधक महोदय, उनका भी बहुत बहुत आभार एवं सभी जिन्होंने